हाय गाइस, देखिए ना, ये तो देख के बोलना है ना हम लोग को। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, पर हम लोग अच्छे नहीं है, थोड़ा थोड़ा ना। किसकी वजह से अच्छे नहीं है बताइए, तो वीडियो में बने रहिएगा, बताते हैं रीजन कि हम लोग क्यों परेशान है और बाकी समय की तरह क्यों अच्छे नहीं है हम लोग। गाइस, परीक्षा परेशान करके रख दी है, पता नहीं क्या खोज रही है, गोद में है फिर भी परेशान कर रही है। देखिए ना, इधर नीचे बेड पे रखने से भी परेशान करती है और गोद में है फिर भी परेशान कर रही है, पता नहीं क्या चाहिए। क्या चाहिए बिटू? पता नहीं, बताइए क्या चाहिए आपको, क्यों परेशान कर रही है? देखिए परेशान से दोनों गाल फुलाई हुई है अपना। क्या चाहिए? बहुत तंग करके रखी है, चोट लगा ना सर में, चोट भी लगा ली मेरे सर से टकरा के। देखते हैं इसको संभालते हैं, क्या चाहिए इसको, बताती भी नहीं है, बोलती भी नहीं है, अभी सोएगी लगता कि। गाइस, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। A few moments later. Guys, हमारा कूलर खराब हो गया है, so अभी परीक्षा के पापा कूलर बना रहे हैं, देखिए कब तक बन जाता है, क्योंकि बहुत गर्मी है, परीक्षा को भी बहुत गर्मी लगता है, तभी ये बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। A few moments later. ये देखिए गाइस, परीक्षा को सुला रहे हैं, लोरी सुना सुना के पर सो नहीं रही है। चंदा मामा दूर के पुए पुकावे गुड़ के, चंदा मामा दूर के पुए पुकावे गुड़ के, पर सो ही नहीं रही है, तंग कर रही है मुझे, मम्मा को से तंग कर रही है। ना बेटू, देखिए गाइस कैसे कर रही, पता नहीं क्या हो गया इसको। सोइए सोइए सोइए, मम्मा सुला दी। चंदा मामा दूर के पुए पकावे गुड़ के, चंदा मामा दूर के पुए पकावे गुड़ के।
परीक्षा सो गई गाइस, और ये थोड़ा सा भी आवाज़ होता हिल जाएगी। और ये आप लोग सोच रहे होंगे कि परीक्षा के हाथ में रुमाल क्यों बांधा है हमने, तो ये बताएंगे परीक्षा के उठने के बाद। जब परीक्षा उठेगी तब तो आप लोग को दिखाएंगे कि ये रुमाल परीक्षा के हाथ में क्यों बांधा है हमने। तो थोड़ी देर के बाद मिलते हैं परीक्षा के चढ़ने के बाद। देखिए गाइस, हमारा कूलर बन गया, अभी चलाए नहीं है, चला के देखेंगे चलता है कि नहीं। अभी सेट कर रहे हैं परीक्षा के पापा, और हमारे घर का कोई भी इलेक्ट्रिकल सामान खराब होने से बाहर नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे घर में एक मैकेनिक है जो कि परीक्षा के पापा हैं, तो घर पे ही सारा कुछ बना देते हैं। अभी भी उन्होंने घर पे ही कूलर बना दिया, सो फाइनली बन ही गया। अब ऑन करेंगे तो पता चलेगा कि सही हुआ है कि नहीं। बन गया? बन गया, सेट हो रहा है। अच्छा, अगर आप लोगों को भी कुछ बनवाना होगा तो मेरे हस्बैंड से कांटेक्ट करें। अब एक साइड का तो अटैच कर दिया, अब दूसरा साइड बाकी है। लेकिन अभी पानी पहले डाल लेंगे कूलर पे, फिर उसका कवर लगाएंगे। ये देखिए गाइस क्या बनाया है इन्होंने। एक्चुअली इसमें रेगुलेटर नहीं था कम ज़्यादा करने का, मतलब मीडियम हाई लो करने का नहीं था, तो इन्होंने अपने दिमाग से लगा के इधर एक स्विच लगाया ऑन करने के लिए, इधर ऑफ, पता नहीं क्या क्या स्विच लगाया है, लेकिन जो भी हो इसमें ये रेगुलेटर लगा दिया है कम ज़्यादा करने के लिए। मुझे तो इलेक्ट्रिकल चीज़ का कोई नॉलेज नहीं है, उनको नॉलेज है, तो उन्होंने ये कि ऐसे लगाया है। और ये पुराना कूलर है, छोटा सा है, लेकिन हवा बहुत अच्छा देता है। और अभी फ़िलहाल इसका मोटर ख़राब हो गया था, तो हमने नया मोटर मंगवा के मेरे हस्बैंड ने लगवाया, तो ये बहुत अच्छा तेज़ चलता है एकदम। छोटा सा है लेकिन काम बहुत अच्छा करता है। तो देखा आप लोगों ने, अगर किसी को भी इलेक्ट्रिकल चीज़ बनवाना हो तो प्लीज़ मेरे हस्बैंड से कॉन्टेक्ट करें। इधर कचरा फैला के रखा है सब तरफ, क्या क्या तोड़ तोड़ किए हैं, ये इधर सारा अपना सामान फैला के रखे हैं। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे इतना छोटा सा कूलर, इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन ये गाइस बहुत अच्छा हवा देता है और हम गरीब लोगों के लिए यही काफ़ी है। सो ये इसलिए रेगुलेटर लगा है क्योंकि ये ऑटोमेटिक था, डायरेक्ट हवा देता था, परीक्षा को ठंडी लगती थी, मतलब ठंडी क्या, हम लोग को लगता था कि उसको ठंडी ना लग जाए इससे ज़्यादा हवा से। सो इसलिए ये रेगुलेटर लगाया है कि इसको कम कर सकते हैं परीक्षा सामने सोए तो, क्योंकि बेड सामने है और कूलर यहीं पे है, तो डायरेक्ट बहुत हवा लग जाता है। इसके लिए ये रेगुलेटर लगा दिया इन्होंने कि परीक्षा को इससे कोई प्रॉब्लम ना हो हवा से, क्योंकि काफ़ी हवा हो जाता है, ठंडा हवा मिलता है इससे। पानी भर दिया पतिदेव ने, और फाइनली ये इसका कवर लगा रहे हैं, और अब चला के कूलर को ट्राई करेंगे कि सही बना है या नहीं। अभी तक ट्राई नहीं किया है, तो अभी देखेंगे लो मीडियम हाई। ये ट्राई कर रहे हैं, अब ऑन कर रहे हैं, ऑन कीजिए। ये देखिए स्लो में हुआ, अभी लो में कूलर चल रहा है। 6 hours later, गाइस परीक्षा सो के उठ चुकी है, और इसके हाथ में ये हैंकी बंधा था। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों बंधा है, तो ये देखिए गाइस, परीषा को ये हाथ में आईवी कैनुला लगा जिससे इंजेक्शन चल रहा है, और इसको बॉटल चला जिसके वजह से ये अभी तक लगा हुआ है। तो ये देखिए कैसे ये नोचती है, इसको खुजली करती है और इधर उधर करती है, देखिए कैसे कर रही। इसके लिए हम लोग ये कवर करके हैंकी से रखते हैं कि ये इसको खींच के निकाल ना सके, क्योंकि अभी 3-4 दिन तक इसमें इंजेक्शन डालना है, तो इसकी वजह से इसको कवर करके रखते हैं
और ये उसको छूते रहती है। अभी देखिए खोल दी है तो कैसे कर रही है, वो खुद से खोली है, मैं भी नहीं खोली हूँ, सोते सोते में खोल दी है। अभी इसको फिर से कवर कर देंगे और अभी तो इंजेक्शन चलेगा परीक्षा का। सो गाइस परीक्षा के लिए प्रे कीजिए, परीक्षा का बहुत तबीयत ख़राब है, इसका फीवर कम ही नहीं हो रहा है और अभी तो फ़िलहाल सो के उठी है। प्लीज़ गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, परीक्षा के लिए प्रे कीजिए अच्छे से, मन से दिल से, कि परीक्षा जल्द से जल्द ठीक हो जाए मेरी बेटी और अच्छे से खेलने कूदने लगे पहले जैसा, चलने फिरने लगे, क्योंकि बहुत सुस्त हो गई है। जहाँ बेड पे किसी को भी मिलता है सपोर्ट तो बस लेट जाती है, सोने के चक्कर में रहती है सिर्फ। खेलने के लिए बोलते हैं, चलने के लिए वॉकर में, तो वो भी नहीं चलती, खड़ा भी नहीं होना चाहती बेटू। उसको नहीं छूना और नहीं छूए निकल जाएगा। ओके गाइस थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, परीक्षा का आपको मेडिसिन दिखाते हैं, परीक्षा का कैसे मेडिसिन चल रहा है, कितना सारा चल रहा है, क्योंकि परीक्षा का बहुत सारा मेडिसिन चल रहा है। अभी इतनी छोटी सी है और इतना सारा मेडिसिन इसको चल रहा है, और बहुत सारा मेडिसिन चल चुका है कुछ दिन पहले ही। ये दूसरा टाइम है जो ये लगा है बेचारी का, लेकिन पूरा हाथ में पैर में सब जगह ट्रिक कर दिया था ये लगाने के लिए, पर बहुत लोगों से नहीं लगा तो लास्ट में लगाना पड़ा किसी को बुला के घर पे। ये तो मुझे भी लगाने में थोड़ा डर लगता है क्योंकि खुद की बेटी है, इसके लिए खुद भी और ही लाती डुलाती है, इतना दुख लगता है जब रोती है, तो इसके लिए ये तो हमसे भी नहीं लग पाया। सो दूसरों को बुला के लगाना पड़ा बाहर से कंपाउंडर लोग को, बेटा उसको नहीं छूते। सो गाइस जाते इसका कवर कर देते हैं, नहीं तो ये ऐसे ही निकाल देगी। सो आपसे बाद में मिलते हैं गाइस। ये देखिए गाइस फिर से मैंने इसके हाथ पे कवर कर दिया और ये रो रही है, इसको अच्छा नहीं लग रहा है, इसे खुला खुला अच्छा लग रहा था और अच्छा नहीं लग रहा, वो भी खोलो गाइस। गाइस देखा आपने, परीक्षा कितनी बीमार हो गई है, बहुत कमज़ोर हो गई है गाइस, पर क्या करें, अभी उसको मेडिसिन दिखाएंगे, आप लोग ना देख के हैरान हो जाएंगे, इतना मेडिसिन उसको चल रहा है इस टाइम में कि कहने का नहीं है, बहुत मेडिसिन हम लोग दे रहे हैं, पर इतनी छोटी सी बच्ची इतना मेडिसिन खा रही है और इंजेक्शन एंटीबायोटिक भी चल रहा है। सो सोच सकते हैं कि कितना उसको लगता होगा, तकलीफ, खाती नहीं है, इंजेक्शन लगाने से बहुत रोती है, बहुत रोती है, पर क्या करें, बच्चा ठीक करने के लिए तो देना ही पड़ेगा, और वो भी काफ़ी दिनों से बीमार है, आज से नहीं 1 मंथ से बीमार है, होली के पहले से। पर हम लोग चेकअप करा रहे थे लेकिन फिर भी एक डॉक्टर से दिखाया, उन्होंने एंटीबायोटिक लिखा 5 डेज़ के लिए, वो चलाया कंप्लीट किया, फिर भी ठीक नहीं हुआ फीवर, और अभी फिर बीच में थोड़ा ठीक था हल्का फुल्का, लेकिन फिर अभी कुछ दिन से फीवर वॉमिटिंग ये सब होने लगा, तो अभी फिर दूसरे डॉक्टर से दिखा रहे हैं, मन को तसल्ली नहीं मिलता गाइस जब बच्चे बीमार होते हैं, तो अभी दूसरे डॉक्टर से दिखा रहे हैं, तो अभी वो उन्होंने तो बहुत सारा इंजेक्शन लिख दिया है, बहुत सारा सिरप दे दिया है और फ्लूड चला बाबू को, मेरे परीक्षा को आई फ्लूड चलाते हैं ना बॉटल, वो चलाया हमने, एक होल नाइट चला था कल, और अभी तो इंजेक्शन चल रहा है, 3-4 डेज़ का है एंटीबायोटिक, तो वो भी चल रहा है, पर बहुत पेन होता है, बहुत परेशान करती, इतना रोती है कि इतना दया आता है देख के कि कह नहीं सकते, इतना दया आता है कि मतलब खुद रोना आता है जब वो रोती है ना गाइस, तो मुझे लगता है कि मतलब मुझे तकलीफ़ हो रहा है, तो पर ठीक करना है तो फिर देना ही पड़ेगा, और उसको फिर मैं ही देती हूँ इंजेक्शन, तो मुझे सोच सकते हैं आपको कितना बुरा लगता होगा जब मैं उसको खुद से इंजेक्शन देती हूँ। पेशेंट को देने में तो लगता ही है, पर अपने बच्चों को देने में ज़्यादा एहसास होता है गाइस, मतलब फीलिंग वो दूसरा ही फीलिंग रहता है जब अपने बच्चों को कुछ ब्लड निकाले, इंजेक्शन दे, और अभी तो मेरा आप लोग समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते कि मुझे कैसा लगता है जब मैं उसको इंजेक्शन देती हूँ और वो बहुत रोती है तब, पर क्या करें, देना तो पड़ेगा ही, दिल पे पत्थर रख के उसको देना पड़ता है इंजेक्शन, देखा नहीं जाता सच में गाइस।
दूसरा कोई देता है तो थोड़ा सा लगता है टेंशन पूरा लगता है, लेकिन जब खुद से देते अपने बच्चों को ना तो कुछ ज़्यादा ही टेंशन लगता है। लेकिन फिर भी एक ये रहता है कि हम अपने बच्चों को खुद से इंजेक्शन दे रहे हैं तो अच्छे से देंगे, दूसरा पता नहीं कैसे देगा, सही से दे पाएगा नहीं दे पाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा बुरा लगता है उस टाइम में। लेकिन खुद से देते तो एक मन में तसल्ली होता है कि हाँ मैं अपने बच्चे को अच्छे से दे रही हूँ इंजेक्शन, कुछ इन्फेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे सेफ्टी से दे रही हूँ, तो वो चीज़ एक तसल्ली है मन में कि मैं बच्चे को अपने से इंजेक्शन दे रही हूँ, दूसरों का टेंशन नहीं है कि दूसरे कैसे दे रहे कैसे नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ तो है एक नर्स बनने के बाद कि चलो कम से कम अपने बच्चों अपने घर वालों के लिए तो कुछ कर सकती हूँ, पेशेंट लोग दूसरों के लिए तो कर ही रहे हैं लेकिन खुद के घर वालों के लिए करना बहुत बड़ी बात होती है। सो पर प्लस आप लोग प्रे कीजिए कि मेरी बेबी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, परेशान जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और ये देखिए मेडिसिन दिखाती हूँ आपको, कितने मेडिसिन से चल रहे हैं देख के आप लोग हैरान हो जाएंगे, परेशानी हैरान हो जाएंगे, परेशान तो हम लोग हैं, हैरान हो जाएंगे आप। ये देखिए गाइस, ये परीक्षा का एक बॉक्स बना दिया हम लोग कार्टून काट के, और उसी में सारा इसका मेडिसिन रखे जो अब भी चल रहा है। पहले का मेडिसिन तो है एक बॉक्स में पर ये अभी चलने वाला मेडिसिन है। ये देखिए गाइस, एक सिरप, दो सिरप, तीन सिरप, चार सिरप और पांच सिरप, छह सिरप और सात सिरप, और ये एक टैबलेट है, ये तो दांत निकलता है तो वो देते हैं होम्योपैथिक टैबलेट, पर वो अभी बंद कर दिया है क्योंकि ये सब मेडिसिन इंजेक्शन चल रहा ढेर सारा इसलिए। और ये देखिए गाइस, ये इंजेक्शन है और एक दो तीन और बाकी का चल चुका है, और भी इंजेक्शन था इधर, पता नहीं इधर रखा है पापा ने परीक्षा के, पर सोच सकते हैं कि अभी और भी इंजेक्शन है पर इसमें दिख नहीं रहा, परीक्षा के पापा ने रखा है कहीं, क्यों होना चाहिए पर नहीं मिल रहा। तो गाइस और एक इंजेक्शन है वो भी चल रहा है एंटीबायोटिक, पर इसमें दिख नहीं रहा है। सो सोचिए गाइस, इतने सारे मेडिसिन परीक्षा को चल रहे हैं और वो बहुत परेशान है, बहुत सुस्त हो गई है इतना सारा मेडिसिन ले लेके इतना टाइम से। तो गाइस देखा आपने परीक्षा को कितना सारा मेडिसिन चल रहा है, देख के तो आपको भी लग रहा होगा कि इतनी छोटी सी बच्ची को इतना सारा मेडिसिन चल रहा है, लेकिन क्या करें गाइस, लेना पड़ेगा उसको ठीक करने के लिए। लेकिन हम लोग बहुत टेंशन में हैं कि काफ़ी टाइम से उसका फीवर नहीं जा रहा, वॉमिटिंग नहीं रुक रहा है, और कुछ भी खाती है तो पहले तो वो खाना ही नहीं चाहती है और खाती भी है ज़बरदस्ती हम लोग खिलाते हैं कभी कभी, तो वो भी वॉमिटिंग कर देती है, दूध भी नहीं पीना चाहती है यहाँ तक कि। सो गाइस प्लीज़ आप लोग प्रे कीजिए कि परीक्षा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और पहले जैसी हो जाए चंचल टाइप की, क्योंकि अभी वो बहुत सुस्त हो गई है, मतलब जहाँ देखो वहीं सो जाना चाहती है, जहाँ देखो वहीं लेट जाना चाहती है, मतलब कुछ भी सहारा मिलेगा ना तो वैसे सो जाएगी। कितना भी हम लोग उसको ज़बरदस्ती उठाते हैं, उठा के रखते हैं जगा के कि सोए नहीं, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा भी सपोर्ट मिलता है तो वो सो जाती है, बेड पे बार बार बैठाएंगे तो वैसे वो सो जाएगी। सो गाइस इसलिए आप लोग प्रे कीजिए कि परीक्षा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और पहले जैसी ठीक हो जाए और अच्छे से खेले कूदे, क्योंकि उसका अभी 1 ईयर कम्प्लीट हो गया है और उसे अभी चलना चाहिए, लेकिन वो बीमार की वजह से इतना वीक हो गई है ना कि वो खड़ा होने से भी डरती है, अभी के डेट में खड़ा हो नहीं जाती है, हम लोग खड़ा भी करते हैं ना तो डरने लगती है और फिर बैठ जाती है, तो इसके लिए अभी वो चल पाती अगर वो ठीक रहती तो। पर 1 मंथ से अभी उसका बर्थडे था 22 मार्च को, तो उस टाइम भी वो बीमार थी। बर्थडे वाला तो ब्लॉग बनाया था मैंने लेकिन डाला नहीं है अभी तक, क्योंकि टाइम नहीं मिला और परीक्षा का तबीयत ख़राब था, इसकी वजह से हम लोग उतना ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे और फिर काम भी रहता है इतना। तो गाइस आप लोग से रिक्वेस्ट है, बहुत बहुत रिक्वेस्ट है गाइस कि आप लोग प्लीज़ परीक्षा के लिए प्रे कीजिए
और जो भी भगवान को आप मानते हैं वो अपने अपने भगवान से प्लीज़ आप प्रे कीजिए कि परीक्षा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि वो जैसे मेरी बेटी है वैसे आपकी बेटी है। सो तो आप लोग प्रे करेंगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। हम लोग तो कर ही रहे हैं, पर जानते हैं सब दुआ में बहुत ताकत होती है, और आप लोग सब मिल के करेंगे उसके लिए प्रे तो वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी गाइस। सो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, परीक्षा के लिए आप लोग प्रे कीजिए, क्योंकि वो आपकी बेटी अपनी बेटी जैसे मान के कीजिए प्रे उसके लिए। सो थैंक यू गाइस, चलते परीक्षा का इंजेक्शन देने का टाइम हो गया है। मेडिसिन सिरप तो पिला दिए उसके पापा, लेकिन अभी रात का इंजेक्शन देने का टाइम है, तो वो मेरा काम है, मैं जाके कर लेती हूँ अभी, उसको इंजेक्शन दे देती हूँ। तो आप लोगों को दिखाती मैं कि वो कैसे रोती है, लेकिन मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा कि मैं वीडियो में उसको उसका रोना दिखाऊँगी इंजेक्शन लेने पर कैसे वो रोती है, इसलिए मैं वो चीज़ नहीं दिखा पाऊँगी। मैं खुद तो देखती हूँ पर आप लोग को नहीं दिखा सकती। तो चलते हैं, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं गाइस, बाय बाय। ये देखिए गाइस, परीक्षा का इंजेक्शन तैयार हो रहा है, पापा लोड कर रहे हैं इंजेक्शन। ये भी एक नर्स है, ले लिया इंजेक्शन। ये एक इंजेक्शन है, इसको तो हाफ देना है, और ये एक इंजेक्शन है। बच्चा मेरा, ये वाला इंजेक्शन देने से परीक्षा बहुत रोती है, उसको बहुत पेन होता है इंजेक्शन देने से। सो दोनों इंजेक्शन लोड कर लेंगे, फिर एक साथ देंगे।